दोस्तों ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या, वो साडा पिंड है धर्मपुरा, इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुन पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने, रविंदर का राज पता है मुझे, जसबीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। एक ओंकार सपना करता पुरख। एक ही करता था। दौड़ने के लिए मेरा रविंदर, तुमसे खेलने के लिए बुलाया था। ये भी कोई खेल है? अमन तो चुप रहे, ज्यादा मत बोल। कम ऑन रविंदर, कम ऑन रविंदर। ये कार्टून जो आ सच नहीं लगी कितने पुत्र। क्या क्या से चल रहा था ये? आपको तो सिर्फ हंसना आता है तो आपको तो फैशन के बारे में पता ही नहीं। उत्तरी ओए रुक, ओए कद्दू, तेरे कहने का क्या मतलब है कि तेरी माँ को फैशन का पता ही नहीं है? नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो ये सब बातें। तुम लोगों को पता है आज घर में कौन आने वाला है? आंटी प्लीज बताओ ना कौन आने वाला है, नहीं तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। हाँ, मुझे भी। ओए ना ना, अपने टेट च पीड़ ना पा, दस दिया। आज ना हमारे घर में मेरी बड़ी पुरानी सहेली आ रही है, सिमी, सिमरन करना। दीदी वाली? और नहीं, कमला फिल्मी कीड़ा, वो नहीं, और मेरी स्कूल की सहेली सिमी। पता है हम दोनों ना साथ साथ पढ़ते, जैसे तुम तीनों पढ़ते हो ना, मेरी बड़ी पक्की सहेली थी वो, फिर उसकी शादी हो गई, वो चंडीगढ़ चली गई, अब ना पूरे 12 साल के बाद आ रही है मुझसे मिलने के लिए। वाओ, आपकी फ्रेंड चंडीगढ़ से? तो खुश नहीं है? हुँ? आप खुश है क्योंकि आपकी तो फ्रेंड आ रही है, हमारे भी फ्रेंड आते तो हम भी खुश होते। चलो हम लोग बाहर खेलते हैं। चलो 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 चलो। खबरदार कोई हिले अपनी जगह तो। पुत्र जी पहले आप होमवर्क करेंगे फिर खेलने जाएंगे। मम्मी आप क्या कर रहे हो? सफाई कर रही हूँ, सिमी आंटी आ रही है ना। परजाई जी, लो जी आ गया सामान। अरे रब्बा, सामान ते तुसी ले आए हो, जिसके लिए मंगाया वो ही नहीं आई। वो अपना काका ड्राइवर है ना, हाँ। वो कह रहा सी कि हाईवे पे ना बहुत सारा जैम लगा हुआ, शायद उसमें ना फंस गए हो। पता नहीं वीर जी, मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा। पता है पूरे 12 साल के बाद मिल रही हूँ उससे, मुझे तो लगता है 12 सालों में भी ना बिल्कुल नहीं बदली होनी कमली। पता है वही लाल परांदे वाली चोटी, लंबी सी पंजाबी सूट, और रीति रिवाज संस्कार ऐसे थोड़ी छोड़े जाते हैं, देश के किसी भी कोने में चले जाओ। पर भरजाई जी, मेनू ऐ लगता है कि वो ना शायद हीरोइन टाइप की बन गई होंगी। हो ही नहीं सकता। नहीं जाजू, मुझे तो लगता है कि वो फॉरेस्ट वाइड जाकर मॉडल बन गई होगी। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है वो खा पी के एकदम मोटी छोटी हो गई होगी। मामा मिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना सिमी? यस मॉम। My darling. लगता गलत घर में आ गई। कोई बात नहीं, तू वीर जी को ना एड्रेस बता दे, तुझे छोड़ आएंगे। वीरे पूछो इन्नू। कहाँ जा रहा? मामा मिया, अम्मू तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं।
हाय मैं मर जा स्यापा, तू पछाणी नहीं जांदी पई मर जानी है, पहलो क्यों नहीं दस्या तू सिमी है। आ जा हुण पाला पंजाबियों वाली जोरदार छप्पी। हाँ नहीं की होया, इट्स ओके, अब हेलो हाय बाय शाय यही पे बोलेगी, अपना घर भी दिखाएगी। हाँ क्यों नहीं आजा। अब मेरा लगेज ना बाहर पड़ा हुआ, तो किसी को भिजवा के मंगवा दे। वो तो टेंशन ना ले, पूरा पिंड अपना है, कितनी कोई चीज गायब हुंदी। आजा आजा। अरे सिमी तू तो बड़ी हाई फाई हो गई है। थैंक यू, पर ये तुझे क्या हुआ है? ओ मुझे क्या हुआ है, मैं तो वैसी की वैसी हूँ जैसी स्कूल टाइम में थी, तो अपनी सुना। हाँ मैं तुझे अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं तो पिंड छोड़ के कनाडा चली गई थी। और तुसी कनाडा रहने हो जी? ओ जी मेरा ना एक दोस्त है सतवंत, वो ना यही पिंड में रहता था, लेकिन यहाँ पे ना फिर वो अपना घर दुकान सब बेच के ना कनाडा चला गया। ओ जी आप उसको जानते हो? अगर वो आपको मिले ना तो उसको बोलना कि जसबीर मिला था। ओ जी आप ना मेरा नंबर नोट कर लो, 2 9 4 7 3 6 7 5 9। ओ जी एक काम करना, 0 लगा लेना है, वो बार का नंबर हो जाता ना फिर 0 लगती है उस पे। वीरे 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 कनाडा धर्मपुरे जितना नहीं है, ठंड रखो ठंड रखो। अच्छा मैं तो ऐसी जानकारी ले रहा था जी। चलो कोई ना, की चल रहा है आजकल? फिर कनाडा के बाद फिर मैं इंडिया आ गई। और इंडिया में मैंने शादी कर ली। अच्छा। और फिर अब यहाँ चंडीगढ़ में, अब यहाँ पर भी मैं थोड़ी मॉडलिंग शॉडलिंग कर ही लेती हूँ। तूने वो एड देखा है मेरा फेयर क्रीम वाला? वो मैंने किया है। मैंने देखा, मैंने देखा। तेरा बेटा कितना क्यूट है ना, ना लग गए मेरे गोलगप्पे। तुझे टीवी देखना पसंद है? हाँ देखना, मैं बड़े होकर मॉडल बनूंगी। मॉडल बनूंगी, तू लड़की है क्या? वो क्या है ना, बच्चे पूरा दिन टीवी शीवी देखते रहते हैं। टीवी में आता ही क्या है, मॉडले शॉडले कुड़िया छुड़िया। हाँ, हाँ, हाँ। जबान फिसल गई बच्चे दी। हाँ, 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 हाँ। नॉटी बॉय। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल तो मुंडे भी मॉडल बन रहे हैं, और सिख मुंडे वो भी मॉडलिंग कर रहे हैं, है ना टिम्मी? यस मॉम। चल रंजन खेलने चलते हैं। नहीं मैं आंटी के पास ही रहूंगा। ओ कितना क्यूट बेबी है। मुआ, मुआ। वैसे तुम मुझे सिम्स भी कह सकते हैं। सिम? वो मोबाइल वाला सिम कार्ड? नहीं नहीं, वो फॉरेन में ना सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, इसलिए तुम मुझे प्यार से सिम्स बोल सकते हो, है ना टिम्मी? Yes, mom. ना 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 सिमी, सिमी इतने बच्चों ये आदत नहीं पानी। वो क्या है ना, ये तेरा फॉरेन कंट्री तो है नहीं, ये इंडिया है, पंजाब है। यहाँ के तो बच्चों के दिल में बड़ों के लिए मान इज्जत मर्यादा ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। इसलिए ना प्लीज बच्चों को ये सिम सिम बोलने की आदत ना डालिए प्लीज। हाँ अच्छा चल छठ परे, तू फटाफट फ्रेश हो जा, 12 साल बाद मिली है, इतनी सारी बातें करनी है तुझसे। चल तेरे को तेरा कमरा दिखाती हूँ, आजा कम बेबी, आ जा तेरा कमरा दिखाती हूँ। चलो 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 चलो। वाओ ये सिमी आंटी कितनी कूल है, बहुत मजा आएगा इनके साथ। छेती छेती खाना खाओ, फिर मैथ्स का काम भी करना है ना। हम लोग ने तो होमवर्क कर लिया। अच्छा पुत्र होमवर्क हो गया, रिवीजन कौन करेगा, जसबीर चाचू। चलो अच्छा खाने में क्या बना है? खाने च बने हैं चने की दाल, बैंगन का भरथा ते पराठे, तुम्हारे फेवरेट। चने की दाल? आहो वो तेरी फेवरेट, पता है मैंने बैंगन का भरथा भी बनाया, सब तेरी फेवरेट डिशेस बनाई है। अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता था, अब तो मैं सिर्फ पिज्जा, बर्गर, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज ये सब खाना पसंद करती हूँ, यू नो, है ना बेबी? Yes, mom. रोज रोज पिज्जा बर्गर? Yes, baby. And I love that. अब तुमको पसंद है पिज्जा और बर्गर्स? हाँ 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 सिमी साढ़े पेंट ना ये सारा कुछ नहीं मिलता, जो घर में बना ना वही खाना पड़ेगा। क्यों वीर जी? नहीं नहीं भरजाई जी, 15 किलोमीटर दूर हाईवे है ना, उत्थे मिलता है। तो चलो हाईवे पे चलते हैं, पिज्जा बर्गर्स खाते हैं और फिर लॉन्ग ड्राइव पे भी चलते हैं। हाँ चलो चलो। पर बच्चा ने पढ़ाई भी करनी है सिमी, बाद में कर लेंगे। हाँ बाद में कर लेंगे मम्मी। अम्मू बच्चों को पढ़ाई के लिए कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, मैं तो टिम्मू को पढ़ाई के लिए कभी प्रेशराइज नहीं करती हूँ, है ना टिम्मू? यस मॉम। अब हम सब लोग पिज्जा और बर्गर्स खाएंगे और करेंगे ढेर सारा मजा। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ तुम सब लोग, कम ऑन गाइस, डोंट गेट लेट, ये बच्चा बारी, कम ऑन। अजी कैसा है ये चक्कू।
मेरा भी कभी रविंदर।